Hello friends, welcome to my channel Edu World. I am Sudhanshu Mishra. Please subscribe, share, like and comment and press bell icon to get latest update on your mobile phone, PC and laptop. Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu World. I am Sudhanshu Mishra. आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बाद बाकी क्लास टेंथ के क्लास इलेवेंथ के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, जैसे लाइट का मैंने डाला हुआ है और सेट थ्योरी मैंने डाला हुआ है। प्लेलिस्ट धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है कि अधिक से अधिक रिकॉर्डिंग की जा सके, बट मीनवाइज जितना हो पा रहा है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉपिक डायरेक्शन सेंस जो है ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स में भी आपको इतना जानना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में भी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये एक कॉमन टॉपिक है इसलिए। और ओलंपियाड वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं या एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी एसएससी के, तो इन सब एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक छोटी सी समझ इस पर हम लोग अगर डेवलप कर लें तो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन सेंस, नाम से ये बात समझ में आ रही है कि इसमें बात डायरेक्शन की होगी। हम लोगों को यह समझ डेवलप करना है कि डायरेक्शन को किस प्रकार से निकालेंगे किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में और कितने तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, यह भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए डायरेक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो तो मेन डायरेक्शन होता है और दूसरा कार्डिनल डायरेक्शन होता है। तो दो तरह के, दो टाइप में डायरेक्शंस जो है वो डिवाइडेड है, एक मेन डायरेक्शन और दूसरा कार्डिनल डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन चार होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। आप इसको क्रम को बदल भी सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बोल सकते हैं या साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भी बोल सकते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चार ही जो डायरेक्शन है ये मेन डायरेक्शन कहलाते हैं। हिंदी में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हम लोग जानते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस इनके बीच की डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये चारों डायरेक्शन जो हैं ये कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं, जबकि ये चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ मेन डायरेक्शन कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों समझ एक डेवलप करते हैं कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं। ये क्लास वन से लेकर के, टू से लेकर के और जो लास्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है एसएससी का, रेलवे का या बैंकिंग का, उन सब में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के पूछे जा सकते हैं। तो एक डेवलप करते हैं हम लोग समझ कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो छह तरह के मेन क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं इस टॉपिक से, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। पहला टॉपिक है कि हम लोगों को डिस्टेंस निकालना और डायरेक्शन निकालना किसी एक इनिशियल पॉइंट से। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम लोगों को पता करना होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा चीज, कोई ऑब्जेक्ट या हम खुद किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में पहुंचे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, यानी एक की स्थिति से दूसरे की स्थिति को कंपेयर करना कि ए से बी की दूरी क्या है या ए बी से किस डायरेक्शन में खड़ा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारे टाइप टू में आएंगे। टाइप थ्री के क्वेश्चन जो है वो एंगल्स पर बेस्ड होंगे कि कोई व्यक्ति अगर कितने दूर चल के कितने एंगल से मुड़ जाता है, उसके बाद हमको उसका डायरेक्शन और उसका पोजिशन निकालना होगा। वैसे क्वेश्चन को हम लोग टाइप थ्री में पढ़ेंगे। नए डायरेक्शंस को खोजने की बात होगी। नया डायरेक्शन खोजने का मतलब ये नहीं कि इनसे बाहर कोई डायरेक्शन को खोजना है, बट हाँ ये फाइंड आउट करना होगा कि वो जो पहले किसी डायरेक्शन में खड़ा था कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट, वो एट लास्ट जो जगह पर पहुंचा उसका डायरेक्शन में क्या चेंजिंग आया, इनिशियल उसका डायरेक्शन कैसा था और फाइनल उसका डायरेक्शन कैसा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टाइप फाइव जो होगा वो शेडोज पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं खड़ा हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति और खड़ा है और उसकी शैडो अपने उसके पीछे बन रही है, मेरी शैडो मेरे पीछे बन रही है या मेरी शैडो आगे बन रही है उसकी शैडो भी आगे बन रही है, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कि ये डिपेंड करेगा वो टाइम क्या है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, नाइट इन द सेंस की
इवनिंग है, मॉर्निंग है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि लाइट का प्रोजेक्शन क्या है, सनलाइट किस तरह प्रोजेक्ट हो रही है और किस तरह से उसका शेडो बन रहा है। नाइट में सनलाइट तो नहीं होगा, तो ऑर्डिनरी बल्ब या टॉर्च या उस तरह का कोई एक सोर्स ऑफ लाइट जरूर होगा जिससे होकर के शेडो का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टाइप 5 में पढ़ेंगे, और टाइप 6 जो कि लास्ट टाइप है, जिसमें कि शुरुआत में डायरेक्शन नहीं दिया होगा, हमको एज्यूम कर लेना होगा, मान लेना होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है या ओरिजिन पर है, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और लास्टली जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बता पाएंगे कि फाइनली वो कहाँ पर है या इनिशियली वो कौन सा डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था या कोई व्यक्ति था। तो ये इन 6 तरह के क्वेश्चंस जो हैं, यही किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका समझ अगर आप लोग डेवलप कर लेते हैं तो हर तरह के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक्स में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर, जो अगर आप लोगों को इसमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो अप्रिशिएट करें। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। सबके एक एक दो दो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, और आप लोग अपने किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक से, जो रीजनिंग की बुक होगी उससे आप लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओलंपियाड की भी जो बुक्स आती है MTG वगैरह की, तो उसमें भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एडवांस पजल या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक्स हैं, जिससे कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह कंपनियों की किताब अवेलेबल है, कोई भी किताब से आप डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे, ये कंसेप्ट समझने के बाद निश्चित ही आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आइए देखते हैं आज टाइप 1 के सवाल की किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पोजिशन किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का डायरेक्शन हम लोग किसी इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में कैसे मेजर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस टाइप 1 के क्वेश्चंस होंगे, और इसको अभी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं डायरेक्शन सेंस का टाइप 1 क्वेश्चन, टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। किसी शुरुआती स्थान से अंत स्थान का डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी कि दूरी व दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राम स्टार्ट्स हिज जर्नी टुवार्ड्स नॉर्थ। राम जो है अपनी जर्नी नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर दिशा में शुरू करता है, एंड मूव 70 मीटर, और 70 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, एंड मूव 90 मीटर, और 90 मीटर आगे चलता है। आफ्टर दैट ही अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड मूव 70 मीटर, उसके बाद पुनः वह बायां मुड़ जाता है और 70 मीटर चलता है। पहला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वह अभी किस ओर मुख कर कर खड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, वह अभी किस तरफ चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि शुरुआती जहां से वो चलना शुरू किया इनिशियल पॉइंट से, अभी वह किस दिशा में है। और चौथा, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने जो शुरुआती बिंदु था, इनिशियल पॉइंट था, उससे कितनी दूर चला आया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अगर आप लोग सीख जाएंगे तो विद इन मिनट आप इसको बना सकते हैं, एक मिनट के अंदर, कम से कम समय। चलिए सिखाता हूं पहले इसको कैसे बना सकते हैं। पहले तो हम लोग एक जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर हम लोग डायरेक्शंस को प्लेस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ जो है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है, साउथ इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, साउथ इस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट का डायरेक्शन हमेशा इधर रखेंगे और वेस्ट का डायरेक्शन इधर रखेंगे। ईस्ट का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होगा, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब इस पर एक ओरिजिन, जो सेंटर जहां पर की दोनों एक्सिस मिल रहे हैं ओरिजिन, इस बिंदु को हम लोग इनिशियल पॉइंट मानेंगे, शुरुआती स्थान यही माना जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम स्टार्ट्स हिज जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। राम ने अपनी
जर्नी को नॉर्थ की ओर शुरू किया। देखिए तो नॉर्थ इधर है ना, हम लोग इधर चलेंगे। कितना चला? 70 मीटर चला, मूव 70 मीटर। चलिए एक हम लोग एक मान लेते हैं पैमाना कोई भी कि ये इतना सा क्या है 70 मीटर है। यहाँ पर स्केल से मापने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को सिर्फ इसका सेंस पकड़ना है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 70 मीटर चला। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब सोचिए ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसका लेफ्ट क्या होगा? ये होगा इसका लेफ्ट, ये होगा इसका राइट, ये होगा ये इसका राइट होगा जब नॉर्थ की ओर पोजिशन में व्यक्ति जा रहा है, तो उसका लेफ्ट ये होगा उसका राइट ये होगा। अगर ये साउथ में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर चला आएगा और इसका राइट इधर चला आएगा। यानी कि अगर साउथ की बात की जाए तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। क्लियर कंसेप्ट है? आइए आगे बढ़ते हैं। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो किधर मुड़ गया? ये इधर जा रहा था लेकिन ये इधर मुड़ गया। एंड मूव्स 90 मीटर, 90 मीटर चला है। अब देखिए 70 मीटर अगर इतना सा है तो थोड़ा सा इससे अधिक लेंगे तो 90 मीटर हम लोगों का यहां तक आ जाना चाहिए। देखिए ये बस एक इस समझ के लिए है कि यह जो लेंथ है वो इससे बड़ा है, बस और कुछ नहीं। तो ये कितना चला दोस्तों? 90 मीटर चला है। क्लियर है? अब ये यहां इस पोजीशन पर पहुंच गया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट समझेंगे, ये 90 मीटर वाला पोजीशन हमारा हो गया। After that, he again turned to left. इसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ रहा है। आप समझिए कि आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। और आपका राइट किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है? और यही अगर बात ईस्ट की हो कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा? आपका लेफ्ट इधर होगा और आपका राइट इधर होगा। कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दें। ये यहां पहुंच गया है। अब ये क्या कर रहा है? अगेन लेफ्ट टर्न कर रहा है। इसका लेफ्ट डाउनवर्ड्स होगा। कितना चल रहा है? देखिए 70 मीटर चल रहा है। इसका ख्याल रखना है कि एक डिस्टेंस जो हमने मेजर कर लिया है उस डिस्टेंस को हमेशा कॉन्स्टेंट रखेंगे कि अगर 70 मीटर मेरा इतना है तो हमेशा 70 मीटर मेरा इतना ही होगा। यानी ये टच करेगा इस एक्सिस को यहां पर और ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हम लोग मार्क कर लेते हैं ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इस पोजीशन के बाद क्वेश्चन एंड हो गया है। इसके बाद हमारे पास आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है जो हम इसमें पुट कर सकें, तो यही हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमारा ये था और ये हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। आइए बस इतने से ही हम लोग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अभी वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो बताइए, वो यहां से किधर मुड़ा था? इधर मुड़ा था। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ का डायरेक्शन है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, कोई एंगल पर नहीं है, इसलिए ये मेन डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा साउथ। बहुत आसान है, आप लोग भी सबको बना सकते हैं। देखिए In which direction is he moving now? अब वह किस डायरेक्शन में चलेगा? तो यदि कंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको मानना है कि जिस डायरेक्शन में उसका मुख है वह उसी डायरेक्शन में चलेगा, तो यह भी आंसर होगा इसका साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी रेफरेंस मांगा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट का तो हम लोग इसको रेफरेंस लेंगे, इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस लेंगे। ये रेफरेंस है, देखना किसको है? इस फाइनल पॉइंट को देखना है। फाइनल पॉइंट को देखना है, कहां से देखना है? इनिशियल पॉइंट देखना है। चलिए इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो जाइए और देखिए कि फाइनल पॉइंट हमारा किधर है। हमारा फाइनल पॉइंट हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में है और ये लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट है। तो ही इज इन द वेस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान सवाल है। देखिए यही इनिशियल पोजिशन था और ये फाइनल पोजिशन था, इसके बीच की दूरी, चूंकि हमने बताया कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और चूंकि यह डिस्टेंस इसके इक्वल होगा तो ये 90 मीटर, तो ये भी 90 मीटर। ये 70 मीटर है और यह भी 70 मीटर है, ये ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए 70 मीटर यहाँ भी है, 70 मीटर यहाँ भी है।
तो 90 मीटर इसका आंसर होगा कि वह 90 मीटर की दूरी पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके एक मार्क्स या दो मार्क्स जो भी मिलते होंगे वो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इतने ही आसान सवाल टाइप वन क्वेश्चंस में है। आइए अब आप लोग अपने क्वेश्चंस को निकाल लें अपने बुक से या नेट से और निकाल कर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है इस टाइप के हर क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर बन जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज एडो वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं, लाइव चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं, वो भी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायक होगा। और अदर मैं वीडियोस डालता रहूंगा, प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग फेज है और बहुत कम अभी वीडियोस मैं बना पाया हूँ, धीरे धीरे करके बना लूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करें यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडियो वर्ल्ड। आई एम सुधांशु मिश्रा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन योर मोबाइल फोन, पीसी एंड लैपटॉप।